नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नादि टीवी में। संग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। सुबह 7 बजे से ही इलेक्शन से जुड़े पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी जो है आ गए हैं। फिलीपींस और श्रीलंका से प्रतिनिधि दल आया है जो कि ये देखेगा कि हमारे देश में किस तरह से मतदान होते हैं, मतदान केंद्रों में किस तरह से व्यवस्था होती है। आनंद नगर मतदान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व ने भ्रमण किया, ये देखा कि किस तरह से सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में मतदान होता है, लोग किस तरह से मतदान करने आते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कितना उत्साह लोगों में देखा जाता है, कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होता है। और ये काफी गर्व की बात है। देखिए, राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का आना, तस्वीरें आपके सामने आ गई है, आप देख सकते हैं। फिलीपींस और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं ये लोग, और यहाँ पर इन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पोलिंग बूथ बनते हैं, लोग वोट देने आते हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर चुनाव होता है, यहाँ पर मतदान केंद्रों का ये जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि राजधानी भोपाल के अलग अलग पोलिंग बूथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और ये जाने की कोशिश की कि देश में किस तरह से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, चुनाव किस तरह से होते हैं। तो आज तीसरे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में 9 सीटें और क्या कुछ समीकरण है, हवा का रुख किस तरह से है, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, पार्टियों का क्या कुछ कहना है, कितना कॉन्फिडेंस किस पार्टी में नज़र आ रहा है, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस से केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सबसे पहले आप दोनों का अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल प्रियंका जी आपसे करना चाहूँगी, 9 सीटों पर आज चुनाव है, सुबह से ही 7 बजे से ही जो है लोग वोट डालने पहुँच रहे हैं, कितना उत्साह आप देख रही है, कितनी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर के पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मैंने भी सुबह से जाके अपना वोट डाल करके आ चुकी हूँ, तो सभी से आग्रह है कि वो लोग भी अपने घर से निकले और वोट डालने जरूर जाएं। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर के, विकास को देखते हुए, महिला सम्मान को ध्यान में रखते हुए लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो 29 का संकल्प हमने लिया है वो पूरी तरह से निश्चित तौर पे पूर्ण होगा। और जनता जैसे पहले भी हमारे ऊपर विश्वास जताती आई है और जो हमारे कार्यकर्ता की लगन और मेहनत है उसके कारण हमको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए, डबल इंजन की सरकार पर विश्वास जताते हुए जनता हमें पुनः विजयी बनाएगी और 29 सीटों के ऊपर फिर से कमल खेलेगा। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 29 की 29 सीटों का आप दावा तो कर रही है, 4 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खिलावन जी आपका स्वागत करना चाहूंगी। खिलावन जी, चर्चा शुरू करूँ उसके पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी फिदवी लाहौरी जी का।
कि चल साथ की हसरत दिल ए महरूम से निकले, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। और ये शेर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राजगढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान इस शेर की एक लाइन का जिक्र किया था दिग्विजय सिंह के लिए। और इस बार ये 9 सीटों पर चुनाव इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि राजा महाराजा और मामा तीनों रणभूमि में है। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है आशिक का जनाजा धूम से निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, समान तौर पे निकलेगा, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लड़ाई है, जिस तरह से 9 सीटों पर चुनाव है और 9 सीटों पर आज जो मतदान हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से राजा भी है, महाराजा भी है और लोगों के बीच मामा के रूप में जाने वाले शिवराज भी हैं जी। तो कुल मिलाकर जो जो स्थितियां बन रही है मध्य प्रदेश में, जो सब कुछ वातावरण पैदा हुआ है चुनाव प्रचार के बाद, जिस तरह से भाजपा बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लवरेज है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खासा उत्साह तो नहीं दिखने को मिला, लेकिन हाँ, वे भरी दोपहरी में भी पूरे पूरे वातावरण में गर्मी के बावजूद भी, भीषण गर्मी के बाद भी चुनाव में जूझते रहे हैं। इससे स्पष्ट लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत एकतरफा तो नहीं होंगे। हो सकता है इन 9 सीटों में से एक आध सीट कांग्रेस को भी मिल जाए, क्योंकि पिछली चुनाव के अपेक्षा मैं कई मुद्दों को पर नज़र डालता हूं तो कई मुद्दे जो है पिछले चुनाव में जो प्रभावी थे, जो सीधा मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, तो उस तरह के मुद्दों का इस बार अभाव रहा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से पूरे उत्साह से लबरेज होकर 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ ना कुछ कांग्रेस यदि कार्य करती, अच्छा फील्ड में कार्य करी होगी, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी 1-2 सीट मिल सकती है जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। केदार जी हमारे साथ, हमारे कांग्रेस के साथ ही जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। केदार जी, जिस तरह से आपने सुना प्रियंका जी को भी 29 की 29 सीटें, 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री को चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अर्पित करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है? क्योंकि इस बार मुकाबला जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। कुछ सीटों की बात करें, अगर आज की ही कुछ 9 सीटों की बात करें, तो मुकाबला किन 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 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा भी है, कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस? देखिए बहन अस्मिता जी, आपने प्रश्न भी किया और आपके प्रश्नों में ही उत्तर है। आपने पहले कहा कि भाई पूरी भाजपा लवरेज है 29 की 29, और दूसरी जगह आपने भी कहा कि बहुत कड़क मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। मैं इस बार चुनाव में पूरे ग्रास रूट लेवल पे रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस की एक कमजोरी है कि वो दिखावा कम करती है, प्रचार प्रसार जो है वो कम उसका होता है, ग्रास रूट लेवल का काम है, क्योंकि पैसे संसाधन हम लोग व्यापारिक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए देख लीजिए, हमारे मुद्दे जो है वो अलग है, और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा मोदी तेहरानी, सिर्फ लिमिटेड लोगों पे है। आज ये राष्ट्र की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, पर बेरोजगारी की बातें नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी खुद की मीडिया की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं। रूस में आप देख लीजिए ना, सारे सरकारी हो चुकी है। अब आज का मतदाता बहुत ही समझदार हो चुका है, बहुत टैलेंटेड हो चुका है, उसके पास में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और एक्सेस का ये जो सोशल मीडिया का टूल आया, उससे बहुत क्लियर हो जाए। पार्टी कहती है हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे, राष्ट्र हमारा मुद्दा है, पर राष्ट्र की जो छोटी यूनिट है ना बहन, वो गांव है, वो बूथ है। उस बूथ पर अगर काम नहीं है, उस बूथ पर बेरोजगारी है, उस बूथ पर भुखमरी है, उस बूथ पर बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, उस बूथ पर स्कूल बंद है, उस बूथ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरह से आपने बोला कि बीजेपी मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं करती, विपक्ष के तौर पर आप बात करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि बड़े चेहरे क्यों नहीं आते हैं? राजधानी भोपाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं आया, जबकि आना चाहिए, पिछली बार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा।
देखिए दो तीन चीजें इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि मध्य प्रदेश में उनकी जनता जो जमीनी सतह वो खिसक चुकी है और यहाँ वो पूरी जगह हार रही है, इसलिए वो प्रेशर में आ रहे हैं। हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रहा है। हमने जो चुनाव, देखिए मैं एक बात बता दूं, सांसद क्यों चुन रहे, भोपाल का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में करना है या दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन भोपाल में करना है? लेकिन जब भोपाल का रिप्रेजेंटेशन को लेकर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अस्मिता जी कल राहुल जी थे, कल मध्य प्रदेश में राहुल जी थे, उसके पहले राहुल जी थे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तमाम जगह चल रहे हैं, पूरे भारत में हमारा कैंपेन चल रहा है। जैसा जहां पर समय मिलता जा रहा है, अवेलेबिलिटी होती जा रही है, अपनी बातें रखते जा रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, क्या कुछ कहेंगे आपने सुना? मैं इसमें के लिए थोड़ा एक से दो सेकंड, अभी ग्लोबल टाइम हो गया ना, अभी राहुल जी ने कल यहाँ सभा दी तो वो अमेरिका में भी सुन ली गई है और मेरे गाँव में भी सुन ली गई, पूरा ग्लोबल हो गया है, इसलिए डेली एक्टिविटी हमारे लीडरों की जनता के बीच में जा रही है। कुल मिलाकर उनका कहना है प्रियंका जी कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर कंफ्यूजन में है, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, रोड शो करना पड़ रहा है, दौरे करने पड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिनके काम में या जिनके वचनों में दम होता है वो आंख से आंख मिलाकर के बात करते हैं, आंखें चुराते नहीं। भाई साहब ने अभी मुझे बात करी, बड़ा ही आश्चर्य होता है, ये लोग शायद डेटा अपना क्लियर करके बैठते नहीं है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 6 में 12% जो है वो बच्चे गंभीर कुपोषण से भुगते हैं। पहले संस्थागत प्रसव जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 26% होते थे, जो आज 90.70% हो चुके हैं, ये भी NFHS की रिपोर्ट है। अगर मैं बेटियों की बात करती हूँ, फिर से अगर बात करने जाते हैं, क्योंकि ये लोग बूथ की बात कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड की रिपोर्ट है कि जब पहले 1000 पे 911 बच्चियां होती थी और आज 1000 के ऊपर 956, ये भी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के अनुसार बात करेंगे तो थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है। लिंगानुपात की बात करते हैं, पहले 1000 पे 498 और आज 1000 के पर 970, ये है भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। इसके बाद नारी वंदन अधिनियम, अगर स्थानीय चुनाव में 50% का आरक्षण, वो सब भी छोड़ दीजिए, पर मैं आज आप ही के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो राधिका खेड़ा जी के साथ घटना घटी और जो निर्मला सप्रे जी ने आरोप लगाए, क्या वो निराधार है? क्या वो माता बहनों का सम्मान नहीं है? ये सब भी छोड़ दीजिए। दुखद तो अस्मिता बहन तब हो जाता है कि जब महिला के लिए महिला ही गलत शब्दों का प्रयोग कर ले, चाहे रेणुका चौधरी जी कहती हैं रेप इज कॉमन, क्या रेप कॉमन हो सकता है? आज मैं मेरी इज्जत पे बात करें, हम आपकी इज्जत पे बात करें, रेप इज कॉमन, ये रेणुका चौधरी जी का स्टेटमेंट आता है। सुप्रिया सुले जी पूछती है मंडी में क्या भाव चल रहा है, बाद में उसका खंडन करते हैं। एक ऑथेंटिक वेरीफाइड अगर अकाउंट है, वो भी ट्विटर का, सॉरी एक्स हैंडल का, एक्सेंडल का अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद में कैसे उस चीज की गलती हो सकती है, और आप ही कहते हैं मंडी में क्या भाव चल रहा है। केदार जी, ये जो जवाब दीजिए। देखिए मेरी बहन ने अच्छी बातें कही, उन्हें प्रश्न उठाया महिला होने के नाते कांग्रेस पे, पर जब वो प्रश्न उठा रही थी तो वो जब मेरी बहन प्रश्न उठा रही है तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि देश की जो पहलवान थी, जो पहलवान लड़कियां रही है जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, उनका इतने लंबे समय तक धरना आंदोलन चला और जिसके व्यक्ति के कारण चला उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। यहाँ पर मतलब महिला खुद के यहाँ आएगा तो महिला सम्मान की बात नहीं होगी। अभी जो रेवन्ना की बात आ रही है, उनकी कितनी भगवान जाने, मुझे तो संख्या भी नहीं मालूम क्या उनका आंकड़ा है, ऐसे लोगों पर मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। सवाल ये है मेरी बहन ने, मैं पूरा बात थोड़ा सा वोटिंग का लालच आप लोग का, आप लोग ने FIR डिले किया वहां पर भी आपने काम किया। ये महिला पहलवानों ठीक है, मुद्दों से नहीं बचेंगे, हम फिर से अपनी 9 सीटों पर आ जाते हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। देखिए केदार जी, अभी आपने किया है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपकी ट्रोलिंग टीम को देख लीजिए, किस लेवल पर उन महिला पहलवानों को ट्रोल किया था, किस लेवल पर। मैं आपके बड़े बड़े लोगों का, मैं आपके बड़े बड़े लोगों का ट्विटर ट्विटर हैंडल से बता सकता हूँ। आप अगर इतनी अच्छी आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी में इतना अच्छा विचार है,
आपको पहले अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो आपके, ठीक है, हम अपनी 9 सीटों पर आते हैं, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। केदार जी, अगर कुछ सीटों की बात करूं मैं, रायगढ़ से इस बार दिग्विजय सिंह फिर से चुनावी मैदान में है, 33 साल बाद वो अपनी सीट पर वापस आए हैं, क्या लगता है किस तरह से समीकरण बदलेंगे, क्या दिग्विजय सिंह पर जनता विश्वास कर पाएगी, क्योंकि बड़ा चेहरा है और इस बार जो है काफी ज्यादा दिल्ली तक नेताओं की नजर इस सीट पर है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के साथ पूरा राजगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरे लोग उनके साथ लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो कद है राजनीति में वो एक अलग ही तरीके का है, उनका ग्रास रूट लेवल जो कनेक्शन है दिग्विजय सिंह जी का वो आज भी बहुत मजबूत है, हर गांव में वो 5-5, 10-10 लोगों को नाम से जानते हैं, ये एक लीडर के लिए। लेकिन जिस तरह से केदार जी, हमने देखा कि चुनाव के दौरान चुनावी माहौल चल रहा है, कई सारे नेताओं ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बड़े बड़े चेहरे थे जो कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चैलेंज ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है आपके लिए। देखिए, स्वाभाविक है, हमारे सामने तो बहुत बड़े चैलेंज है, आदमी क्या, हमारे तो बैंक अकाउंट ही चले गए थे, हमारे हमारे बड़े बड़े लीडरों को अरेस्ट करने तक का काम किया, दूसरी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाल दिया गया, तो चैलेंज ऐसे तो जेल में नहीं डाला ना, जो आरोप उन पर लगे हैं। अस्मिता जी, चैलेंज ऐसे किसी को थोड़ा ना जेल में डाल देता है, केदार जी डाला गया है, अभी आपके सामने आ जाएगा थोड़े दिन के बाद में जब ये रिपोर्ट आएगी, तब भी चुनाव में इस तरीके से अरेस्ट करना, बैंकों के खाते बंद करना, कांग्रेस पार्टी का जो नाता है वो चैलेंज के साथ हमेशा से रहा, आज से नहीं, हमने तो अंग्रेजों से लोहा लिया है बहन, इनसे उनसे बड़े ये लोग नहीं हो सकते, वहां तो फांसी भी लगी थी, गोलियां भी लगी थी, लंबे समय तक की जेल, कितनी प्रताड़ना, वो चैलेंज को हमने स्वीकार किया, तो ये चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है। स्ट्रॉन्ग है पार्टी, तो फिर चुनाव परिणाम में क्यों नहीं इसके नतीजे दिखते, जनता को क्यों नहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं ले पा रही, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में भी हमने देखा काफी कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, लेकिन परिणाम जो सामने आए सबको शॉक्ड कर गए। देखिए, ये शॉक्ड कर गए, बस यही तो सवाल है हमारा कि जनता कह रही हमने वोट किया, आपकी पूरी रिपोर्ट कह रही है जनता ने वोट किया, हमारे आप कह रहे थे, आप कॉन्फिडेंस थे, जनता ने नहीं कहा। अरे मैडम, आपकी रिपोर्ट भी थी, आप लोग भी, आप भी बूथ बूथ गए थे, आपके लोगों ने, पूरे मध्य प्रदेश के चैनलों ने एक एक आदमी को, हमारे जितना आपने भी बातचीत किया था, आपकी सारे लोगों की रिपोर्ट आ रही थी कि एक तरफा कांग्रेस आ रही, फिर अचानक क्या हुआ, यही चीज इस लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा कर रही है। पर इस बार जनता ने बहुत मन बना लिया है, जनता ने ठान लिया है, अभी बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिख रहा है। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि सिंधिया जी की सीट खतरे में है, सिंधिया जी की, ठीक है, किलावन जी, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं सिंधिया जी की सीट खतरे में है, तो मैं एक बहुत बड़े पॉइंट को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूंगी। इस बार चुनाव में कुछ सीटों को लेकर, जैसे ग्वालियर, मुरैना, गुना सीट को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जाति ही जीत का मंत्र है, तो क्या लगता है आपको जाति फैक्टर यहाँ पर कितना काम करेगा? देखिए, भिंड और मुरैना तो ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहाँ जाति फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभाव करता है, खासतौर पर भिंड, जहाँ STSC खासतौर पे अनुसूचित जाति के मतदाताओं का बहुत बाहुल्य है और वही असरदार होते हैं, वही उन्हीं का असर होता है ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से केदार जी ने कहा कि गुना भी महाराजा हार रहे हैं इस बार, लेकिन मुझे मैं जो चुनावी परिदृश्य देखा हूँ, एक दौरा मैंने गुना और अशोकनगर का भी किया है, तो मुझे जो पिछले चुनाव में वातावरण था, जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ वातावरण था, लगभग वही वातावरण आज भी है, और जिस तरह से महाराजा उस बार चुनाव हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, तो मुझे लगता है इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनकी जीत जो है वो तय तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राव यादवेंद्र सिंह को जिस तरह से प्रत्याशी बनाया गया है गुना से, वो बेहतर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वोटों का ध्रुवीकरण करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। उसका मुख्य कारण ये है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यादव है, और यादव समाज
के ध्रुवीकरण करने में राव जाडवेंद्र सिंह यादव जो पूरी तरह से असफल हुए। बिल्कुल प्रियंका जी, जी प्रियंका जी का रुख करना चाहूंगी। प्रियंका जी, कितनी आश्वस्त है आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका ये पहला चुनाव है। पिछले बार कांग्रेस में थे, हार गए थे। इस बार ये कहा जा रहा है क्योंकि मोदी की लहर है और वो खुद बीजेपी में है, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें यादव वोटर्स की, अगर हम बात करें जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर स्मार्टली खेला है और यादव वोटर्स को साधने के लिए यादव प्रत्याशी को ज़मीन पर उतारा है, तो क्या ये बड़ा चैलेंज साबित होगा? जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो कार्यकर्ता के भरोसे पे लड़ती है, इसलिए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, कार्यकर्ता कैडर बस पार्टी कहलाती है। प्रत्याशी मायने रखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, प्रत्याशी की छवि मायने रखती है, परंतु आपका विश्वास, आपने जो जनता के बीच में आप कितने उपस्थित रहे हैं, कितना आपका संवाद उनके बीच में रहा है, तो जो हमारे पन्ना प्रमुख तक की जो हमारी समितियां बनी हुई है, पन्ना प्रमुख हो, चाहे त्रिदेव बनाए गए हो, चाहे बूथ के अध्यक्ष बनाए गए हो, बूथ के प्रभारी बनाए गए हो, शक्ति केंद्र बनाए गए हो, इस तरीके जो माइक्रो मैनेजमेंट की पूरी प्रोसीजर भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, तो हमें विश्वास होता है। प्रियंका जी, आपने विश्वास की बात की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने जो है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, सरकार गिर गई, क्या जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? मैंने आपसे कहा जो कार्य हमने कार्यों के भरोसे जो विकास हमने किया है, हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो गुना में कार्य किए हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि स्थायी सरकार भाजपा अगर 15 महीने की सरकार कांग्रेस की भी लोगों ने देखा, किस तरीके से ढोर चराने के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, ढोल बजाने के सर्टिफिकेट बांटे जाने की तैयारी हो गई थी, किस तरीके से महिलाओं के द्वारा शराब बिक्री को प्रोत्साहित करने की तैयारी में ये लोग आ गए थे, जनता ने सारा कुछ देखा। और किस तरीके से वाकई युद्ध सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में उस समय हुआ, पेपर ने वो भी पूरा दिखाया, और किस मजबूरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन साफ थामा, ये भी जनता ने देखा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि गुना से भी वो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को केदार जी क्या स्टेटमेंट देंगे आप, क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे? देखिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरा यही है कि मेरी बहन यह इनके प्रत्याशी लोकल मुद्दों पर जाकर अगर चुनाव लड़े तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज हमारे जो बैतूल संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं डीडीयू वीके जी, उन्होंने खुलेआम मीडिया में यह कहा कि मैंने 5 साल कुछ कर नहीं पाया, मेरी गलती रही है, मैं अगले मुझे 5 साल और दीजिए। इस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके 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 काम दिख रहे हैं, तो जनता जो है सीधे तौर पर इनको नकार रही है, और मुझे उम्मीद है इस बार हम कांग्रेस बड़ा मजबूती के साथ में अच्छा करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब आगामी 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किसके सर पर जीत का सहरा सजता है और किसका जनाजा निकलता है, गृह मंत्री के अंदाज में कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दोनों ही दल अपने आप में आश्वस्त है और लगातार जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट मोड में दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये जो 9 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला, एक एक सीट का अगर हम समीकरण देखें तो अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही है। दोनों ही तरफ से जो प्रत्याशी है काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ, दमखम के साथ ग्राउंड लेवल पर नजर आए, लेकिन अब ये आपको तय करना है कि आगे संसद में कौन जाएगा और उसके लिए आपको वोट करना होगा। तो अभी तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले वोट दें और इलेक्शन से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए अनादि टीवी देखते रहें। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक पे, लिए जल्दी हाजिर होते हैं।